नागदा शहर के बिडला ग्राम की श्रमिक बस्ती अशोक कॉलोनी के समीप एक शासकीय शिक्षक ने अपने पुत्र के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिक्षक ने सुसाइड नोट भी लिखा है। मिली जानकारी अनुसार शिक्षक कन्हैया लाल पिता पांचूलाल बेरवा समाज का है, जिसकी उम्र 45 साल व उसके पुत्र आयुष पिता कन्हैया लाल उम्र 14 साल निवासी विनोवा भावे पथ बिडला ग्राम का शव बुधवार सुबह पंखे पर लटका हुआ मिला। मामला 3-4 दिन पहले का है। पड़ोसी के अनुसार वे 3-4 दिन से किसी से नहीं मिले। दूध वाले के अनुसार पिछले 2 दिन और आज तीसरे दिन उन्होंने दूध नहीं लिया। मृतक की पत्नी 2 लड़के व 1 लड़की है। मृतक की पत्नी अपनी लड़की और एक लड़के के साथ पिछले 3 साल से मायके रामगंज मंडी सातल खेड़ी में रहती है। पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से दरवाज़ा बंद था, जिसे खुलवा कर मामले को जांच में लिया गया। जल्दी को लेके आओ जी। और ये बच्चे आयुष का नाम है? आयुष। कितनी उम्र बालक की? यही 14 वर्ष की। आपका रहता है? नहीं यार, 2 बड़ा साल अगले इसी लाइन में। इस लाइन में? हाँ, इसी लाइन में। मैं मामा जी हूँ। कन्हैयालाल के मामा लगते हो? अच्छा, क्या नाम? सुन, नाम का? रमेश चंद्र खान। पिताजी का नाम? श्री सरवन लाल जी। सरवन लाल जी मैकपुर के पास गांव में। मैकपुर रोड। उनका नंबर है ना उनके भाई? तो बच्चे चले गए? एक लड़का एक लड़की चले गए। एक लड़का साथ में? साथ में रोक लिया था। क्या वाक्य हुआ सर? जी, थाने पे सूचना प्राप्त हुई कि विनोबा भावे पथ नगर में एक मकान अंदर से बंद है और उसमें बाहर बदबू आ रही है। सूचना पर यहाँ आए थे, उसमें देखा मकान अंदर से बंद था और पीछे से खुला हुआ था। अंदर उसमें देखा तो उसमें एक ये मैतपुर रोड में किसी गांव में शिक्षक है कन्हैया लाल बेरवा और उनका एक बालक है, वो ये पंखे से फांसी पर लटके हुए पाए गए। आगे की उसमें जाँच चल रही है। कोई संदेहपात? अभी तो प्राथमिक रूप से अभी आके देखा ही है। एक पंखे पे दोनों, एक ही पंखे पे दोनों लटके हुए पाए गए हैं। उनके रिश्तेदार को बुलाया है आसपास से। अब आगे की जांच चल रही है इसमें। और भी अधिकारी आएंगे सर जांच करना इसमें? हाँ, आएंगे इसमें।